देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश में राष्ट्रीयता के भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक गांव एक तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक गांव में राष्ट्रीय एकता का अलख जगाने का काम करेगी। इसके लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं द्वारा गाँव गाँव तक तिरंगा फहराने का कार्य किया जाएगा, जिसके संबंध में विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत की अध्यक्षा प्रोफेसर सुषमा पांडे एवं प्रांत मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस वर्ष भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ है एवं 2022 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर विशेष अभियान और संगठन विस्तार की योजना बनाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांत मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने कहा, राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रांत मंत्री गोरक्ष प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज हम सभी लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अपनी आज़ादी के 75 वर्ष हम सभी के पूरे हो रहे हैं और आज़ादी के 75 वर्ष को हम लोगों ने एक महापर्व के रूप में, एक उत्सव के रूप में, हम लोगों ने एक वर्ष के पूरे कार्यक्रम को अपने अभियान के रूप में लिया है। हम लोगों ने इस बार गोरक्ष प्रांत के 2105 गाँव में एक गाँव एक तिरंगा के माध्यम से अमृत महोत्सव ऐसा नाम देते हुए एक वर्ष के कार्यक्रम को हम सभी लोग सम्पन्न करने वाले हैं। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर के रूप में हम लोगों ने किस प्रकार से अपने देश को स्वाधीनता दिलाई गई, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने देश के वीर क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से अपनी शहादत दी, ऐसे वीर क्रांतिकारियों के लक्ष्य को, उनके उद्देश्यों को, उनके जीवन को सभी युवा वर्ग, सभी विद्यार्थी, सभी गाँव के आम जनमानस लोग अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए, उनके आदर्शों को अपने जीवन में लेते हुए किस प्रकार से हम लोग स्वाधीनता के उतने कठिन परिस्थितियों में अपने उन आज़ाद क्रांतिकारियों के लिए एक समय एक दिन हम किस प्रकार से पर्व के रूप में ले रहे हैं, ऐसे पर्व को विद्यार्थी परिषद ने पूरे वृहद स्तर पर गोरक्ष प्रांत में ऐसी योजना बनाई है कि एक पर्व के रूप में एक गांव एक तिरंगा के माध्यम से गांव के बीच में जाकर गांव के युवा वर्ग में, गांव के विद्यार्थियों में, आम जनमानस में अपने इस कार्यक्रम को मनाने वाली है। साथ ही विद्यार्थी परिषद ने यह भी लक्ष्य लिया है कि पूरे वर्ष भर विद्यार्थी परिषद अपने ऐसे वीर क्रांतिकारियों के स्थान पर, जैसे शहीद स्थान है, जैसे अपने गोरखपुर में चौरी चौरा का स्थान है, ऐसे गोरखपुर में वीर शहीद बंधु सिंह जी का स्थान है, बस्ती में राजा जालिम सिंह जी का छावनी पर स्थान है, ऐसे ही बलिया में मंगल पांडे जी का स्थान है, ऐसे ही गोरक्ष प्रांत के विभिन्न स्थानों पर ऐसे अपने वीर क्रांतिकारियों के स्थान हैं, ऐसे स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक वर्ष में बृहद स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साथ ही उनके परिवारों को, ऐसे परिवारों को सम्मानित करने के साथ ही उनके परिवारों से अपने ऐसे वीर क्रांतिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, ऐसे द्वारा जो शहादत दी गई थी, ऐसे क्रांतिकारियों के उद्देश्यों को बताने के साथ ही ऐसे कठिन परिस्थितियों में जिस प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराया गया था, ऐसे कठिन परिस्थितियों को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाकर ऐसे विभिन्न विद्यार्थियों के बीच में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कितने कठिन परिस्थितियों में अपने देश को आज़ाद कराया गया था। आज वह हम सभी के सामने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक महापर्व के रूप में हम सभी के सामने है। किस प्रकार से हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ अपने इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने वाले हैं, इसके साथ ही हम लोग अमृत महोत्सव ऐसा अपने इस अभियान को, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है। इस अमृत महोत्सव को हम लोगों ने महापर्व के साथ ही पूरे 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे और इसके साथ ही हम लोग के विद्यार्थी परिषद के भी 75वें स्थापना दिवस पूरे होने वाले हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस को भी हम लोग आगे मनाने वाले हैं, उसके कार्यक्रमों की भी हम लोगों ने योजना बनाई है। लेकिन देश के स्वतंत्रता के बाद हम लोग विद्यार्थी परिषद के अपने स्थापना दिवस, इन दोनों विषयों को जोड़ते हुए किस प्रकार से समाज में जाकर विद्यार्थियों के बीच में, आम जनमानस के बीच में इस देश के बारे में बता सकें, इसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रांत अध्यक्ष गोरक्ष प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत 75 वर्ष का हो गया और सन 9 जुलाई सन 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जन्म हुआ, वो भी धीरे धीरे 75 वर्ष का हो गया। भारत जब स्वतंत्र होने के कगार पे था
तो उसके सामने तीन चुनौतियां थी। एक ये था कि भारत को लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया जाए, दूसरी ये चुनौती थी कि लोकतंत्र भारत को कैसे चलाया जाए, और तीसरी चुनौती ये थी कि जिस आज़ादी को हमने इतनी मुसीबत से पाया है उस आज़ादी को हम किस प्रकार से कायम रखें, और दूसरा उसके ऊपर आँख उठाकर देख ना पाए, और चौथी हमारे सामने आज ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जिसको हमने इतनी मुसीबत से पाया, दो बातों को तो हम पार कर गए, हमने संविधान बनाया, लोकतंत्र चलना भी प्रारंभ हो गया, लेकिन जो तीसरी चुनौती है वो आज भी हमारे समक्ष है। हमने जिस आज़ादी को हमारे देश के गाँव के छोटे एक बहुत गरीब से गरीब परिवारों के युवाओं ने अपनी जान दे करके पाया, उस आज़ादी जिन्होंने अपने परिवार की कोई परवाह नहीं की और देश के ऊपर कुर्बान हो गए, उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, ये जो राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा संगठन है, ये पूरी तरह से उस भाव से ओतप्रोत है। हम ये चाहते हैं कि इस देश का युवा ये कभी ना भूले कि हमने बहुत कठिनाई से स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, और आज जो स्थितियां हैं भारत बहुत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर है, और ये परिस्थिति बिगड़ने ना पाए, क्योंकि जितना तेज़ी से हम विकास कर रहे हैं उतनी तेज़ी से विघटनकारी शक्तियां हमारे ऊपर अटैक भी कर रही हैं, जिसकी बहुत सारे उदाहरण आप अगल बगल देखते भी हैं। हम ये चाहते हैं कि देश 75 वर्ष का आज स्वतंत्र होकर हो गया, इस बात को गाँव का एक एक व्यक्ति इस बात को ध्यान रखे जिन्होंने अपना जान दे दिया देश के खातिर, उसको हम कभी ना भुलाएं। इस भावना को लेकर के जन जन तक राष्ट्र प्रेम को अभिसिंचित करने का उद्देश्य लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो स्वयं भी 75 वर्ष का हो गया, हमने 2 वर्ष तक का एक बड़ा कार्यक्रम लिया जिसमें हम समाज के उन सभी वर्गों का जो वंचित वर्ग हैं उनको भी इसमें जोड़ने के साथ साथ उनको समृद्ध बनाने के साथ साथ हमने हर गांव एक तिरंगा का लक्ष्य लेकर के 2105 गांव में हम तिरंगा फहराएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे देश को स्वतंत्र करते हुए जो स्वतंत्र कराने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके परिवारों को लोग भूल गए, उनको भूल गए, उनको पुनः लोगों के हृदय में स्मरण कराएंगे। हम नारी शक्ति को नारी शक्ति के रूप में समाज में स्थापित करने के लिए उनके लिए हम रानी लक्ष्मीबाई जयंती से अनेक प्रकार के वृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाएंगे। हम देश के ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया उनको सम्मानित करेंगे। बच्चों को देश के स्वतंत्रता के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था को समझें, इसके विकास इस समझ को जानने के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाएंगे, जिससे बच्चे हर तरह से भारत के निर्माण में, गांव का भी एक युवा जो गांव में रह रहा है वो भी भारत के निर्माण में अपनी पूरी योगदान को तन्मयता से दे सके। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक भोपाल में हुई उसमें हमने 2 वर्ष तक का एक बड़ा कार्यक्रम लिया और इसे अभियान के रूप में हम चलाएंगे, जिससे हमारा जो ये राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो भावना है ये पूरे हमारे गांव के जो हमारे आधार हैं, जो गांव हमारी आत्मा है देश के, उसमें ये भावना अभिसंचित हो जाए। इस उद्देश्य को लेकर के हम 2 वर्ष तक निरंतर अभियान के रूप में अपने कार्यक्रम को लेकर हम चलेंगे, और इसके लिए हमने आज जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे लोग हमारे इस आप सभी लोग और जन जन तक हमारे इस अभियान की जानकारी सबको हो, और लोग जिस तरीके से अन्य पर्वों को मनाते हैं धार्मिक पर्वों को, उसी प्रकार से 75 वर्ष होने का भी भारत के स्वतंत्रता को भी हम एक पर्व के रूप में बल्कि महापर्व के रूप में मनाएं, क्योंकि अगर हम स्वतंत्र नहीं हुए होते तो कोई भी पर्व जितने हम खूबसूरती से आज मना पाते हैं शायद वो स्वतंत्रता हमें कभी वो नहीं मिल पाती। ये हम कभी ना भूलें कि एक स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाए रखने का जो तब अभियान लेकर के अनेक लोग मर गए, अनेक लोगों ने जान दी, उनके बलिदान को हमें सफल बनाना है और उसे हमेशा याद रखना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।